दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वर्मी कंपोस्ट की बेड के ऊपर से वर्मी कंपोस्ट उतारने के बाद में कि जो लास्ट की 4 सेंटीमीटर बच जाती है उसमें सिर्फ हमारा कल्चर दिखाई देगा, जो आप देख सकते हैं। कल्चर इतना शानदार है हमारी बेड के अंदर कि कोई भी किसान भाई हमारे यहाँ आता है तो उसको कल्चर देख के बहुत खुशी होती है। ऑल इंडिया में आप कहीं भी जाके आइए, एक बार हमारी यूनिट की विजिट करिए। यहाँ केंचुओं की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए मैं कई तरीके अपनाता हूँ और कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग और इतना शानदार होता है कि आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ एक बार जो भी किसान भाई कल्चर लेके जाता है वो कम से कम 50 लोगों को मेरी यूनिट की विजिट करने के लिए अवश्य बोलता है। आप देख सकते हैं कल्चर आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। हाथ देने का तरीका यही होना चाहिए, इसे एक भी केंचुआ नहीं मरेगा। और ये रेडिस जो अर्थवर्म आपको दिखाई दे रहे हैं ये आइसीनिया फोडेटा स्पीसीज़ के हैं, जो 90% ऑर्गेनिक मैटर व 10% मिट्टी खाते हैं। आप देख सकते हैं कल्चर, आपको देखकर ही अंदाज़ा लग गया होगा कितना शानदार है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि आप वो यहाँ विजिट करें और हमारे यूनिट की विजिट करके अच्छे से सीखें, फिर में वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे आके हर प्रकार की जो वर्मी कंपोस्ट में मुसीबत आती है, समस्या आती है, उनके बारे में सीखे और अपने व्यवसाय को बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जितनी जगह हाथ दिए हैं वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट के अंदर केंचुओं की संख्या आपको तादाद ही मिलेगी। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी यूनिट को विजिट करिए।